टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द सिंबलिज्म, जिसे हिंदी में प्रतीकवाद भी कहा जाता है। प्रतीकवाद कला के वाद में एक ऐसा वाद रहा है जिसमें कि प्रतीकों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया बजाय कि यथार्थ के ऊपर। प्रतीकवाद जो है वो इम्प्रेशनिज्म के बिल्कुल अपोजिट और बिल्कुल विपरीत वाद रहा था, क्योंकि इम्प्रेशनिज्म के अंदर ऐसी कला को, ऐसे कला चित्रण किए जाते थे जो कि सामने देखकर, जिनका विषय जो है वो जो चीज़ कलाकार के सराउंडिंग में होती थी, जो चीज़ सामने दिखाई देती थी, जो विषय उनके आसपास होते थे उन्हीं को देखकर बनाया जाता था। लेकिन सिंबलिज्म के अंदर कलाकारों का मानना था कि कला जो सामने दिखाई देती है वो नहीं है, बल्कि उसके अंदर किसी भी मनुष्य की कल्पना का। फ्रांस में जितने भी कलावाद हुए हैं उनका संबंध कहीं ना कहीं साहित्य और कविता और संगीत के साथ रहा है। ऐसा ही वाद रहा है जिसके अंदर बोदलेयर की कविताओं का बहुत ज्यादा प्रभाव देखा जा सकता है। सिंबोलिस्ट आर्टिस्ट रेडोन की कविता जो पेंटिंग्स हैं उनके ऊपर भी बोदलेयर की कविताओं का बहुत ज्यादा प्रभाव रहा है। साथ ही क्लाउड डेबेसी के संगीत का भी समावेश रेडोन की कविताओं, रेडोन की पेंटिंग्स के अंदर देखा जा सकता है। जिस प्रकार प्रतीकवादी कवियों का मानना था कि कविता के शब्दों के अर्थ, उनकी ध्वनि तथा लय में गहरा संबंध है, वैसा ही संबंध रेडोन ने अपनी पेंटिंग के रंग व रेखा में जाहिर करने की शक्ति को महसूस किया। रेडो का मानना था कि कला का विश्लेषण नहीं किया जा सकता है और ना ही ये ऐसा विषय है जिसकी प्रणाली या व्यवस्था के रूप में इस्तेमाल। रेडोन का बचपन बहुत ही एकांकी और चिंतन मनन से गुजरा था, यही वजह थी कि रेडो की कला के अंदर कल्पना और स्वप्न का बहुत ज्यादा रेडो बचपन में जब छोटे थे तो उनको दीवारों के अंदर, बादलों के अंदर, पर्दों के अंदर और पेड़ की उभरी हुई सतहों के अंदर बहुत ही अद्भुत चित्र नजर आते थे और इन्हीं की परछाई, इन्हीं की रिफ्लेक्शन हम उनके आने वाले जीवन में देख सकते हैं, जो कि उनकी नोर नाम की एक श्रृंखला रही है जिसमें उन्होंने बहुत सारी ड्राॅइंग्स बनाई हैं और लिथोग्राफी की हैं, जो कि पूरी मोनोक्रोमेटिक सीरीज है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ काले रंग का ही इस्तेमाल किया है। इसके अंदर चारकोल, चाक, पेस्टल, ब्लैक पेस्टल के साथ साथ उन्होंने कॉन्ट क्रेयॉन का भी इस्तेमाल किया है। अपनी शुरुआती सीरीज के अंदर उन्होंने काले रंग के ही विभिन्न आभाओं का इस्तेमाल किया है, कहीं पर उन्हें बहुत ज़्यादा गहरा इस्तेमाल किया है तो कहीं पर हल्का, तो कहीं पर ब्राइटनेस दिखाने के लिए बहुत ही कम उन्होंने ब्लैक कलर का इस्तेमाल किया है। इस प्रकार उनकी इन काले रंग के संयोजन के अंदर एक बहुत ही रहस्यमयी कहानी या स्वप्न या फैंटेसी को देखा जा सकता है। इसके विषय बहुत ही अद्भुत तरीके के रहे थे, जिसके अंदर सिर कटे हुए इंसान को दिखाया गया था तो कहीं पर कैक्टस के रूप में एक इंसान का सर एक पौधे के रूप में दिखाया है जो कि गमले के अंदर लगा हुआ है। इसके साथ ही एक ऐसा बैलून जिसमें बैलून की जगह उन्होंने इंसानी आँख को दिखाया है जो कि कटे हुए सर को अनंतता की ओर ले जाते हुए दिखाया गया है। ऐसे ना जाने कितनी उन्होंने ब्लैक लिथोग्राफी और पेपर और क्रेयॉन, पेपर के ऊपर क्रेयॉन का इस्तेमाल करके उन्होंने अपनी कला को बनाया जो कि रहस्यात्मक है। उनके जो विषय है वो उनकी खुद के बचपन की जो तस्वीरें वो अलग अलग चीज़ों में, बादलों में, दीवारों में देखा करते थे, वो प्रभाव उनकी इस श्रेणी में देखा जा सकता है। साथ ही कल्पना का समावेश बहुत ज़्यादा उनकी कला के अंदर देखा जा सकता है। शुरुआती दौर में उन्होंने अजीब किस्म के पौधे, मनुष्य के कटे हुए सिर, कीट पतंगे और कहीं मकड़ी के अंदर इंसानी सिर उन्हें लगा हुआ दिखा है। बहुत ही विचित्र तरीके के विषय उनकी कला के रहे। 1887 के एक नोट में रेडोन ऐसे सोर्सेस का जिक्र करते हैं जिससे कि कला को बनाया जा सकता है। इसमें वो तीन स्रोतों का जिक्र करते हैं, पहला ट्रेडिशन परंपरा, दूसरा रियलिटी या नेचर, तीसरा पर्सनल इमेज। उनका मानना था कि कला को इन तीनों स्रोतों से ही बनाया जाता है। रेडोन की कला में कल्पना के साथ साथ स्वप्न की दुनिया को भी देखा जा सकता है। 1880 की शुरुआत में रेडोन ने रंगीन पेस्टल रंगों का इस्तेमाल करना शुरू किया और उन्होंने अपने संयोजन के अंदर इसका भरपूर इस्तेमाल भी किया। यहाँ पर उनकी पेंटिंग्स के अंदर शुरुआती काले रंग की जगह अब रंगीन आभाओं ने ले ली थी, जिससे कि बहुत ही विब्रेंट और बहुत ही चमकीला पुख उनकी पेंटिंग्स के अंदर देखा जा सकता है। 1890 के साथ उन्होंने पेस्टल कलर्स के साथ ऑयल रंगों का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया।
रेडॉन की पेंटिंग्स के ऊपर हिंदुइज्म और बुद्धिज्म का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव है। उनकी बहुत सारी पेंटिंग्स के अंदर बुद्ध को और हिंदू धर्म के तत्वों को देखा जा सकता है। वो कहीं ना कहीं भारतीय धर्म बुद्धिज्म से बहुत प्रभावित भी रहे। आज रेडॉन को उनकी स्वप्न और कल्पना पर आधारित चित्रकला के लिए जाना जाता है, जो उन्होंने 20वीं सदी के शुरुआती दशक में आरंभ की थी, जिसके ऊपर जापानीज आर्ट का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है और साथ ही साथ अमूर्तता के गुण भी इसके अंदर शामिल हो गए थे।